दुनिया भर में कोरोना का कहर अभी भी जारी है। कोरोना से अभी तक करीब 2,26,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, तो वही ये वायरस करीब 7,93,000 लोगों की जिंदगी छीन चुका है। आखिर दुनिया को इस जानलेवा वायरस से कब तक छुटकारा मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इन सबके बीच कोरोना के खात्मे को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के प्रमुख का बड़ा बयान सामने आया। दरअसल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेसस ने उम्मीद जताई है कि 2 साल से कम वक्त में कोरोना वायरस धरती से खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि COVID-19 स्पेनिश फ्लू से कम वक्त में समाप्त हो जाएगा। जेनेवा स्थित संगठन के मुख्यालय में WHO प्रमुख ने कहा कि उस समय की तुलना में आज सभी देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से भी कोरोना महामारी तेजी से फैली है। यहाँ ये कहना भी जरूरी होगा कि उस समय की तुलना में हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आगे बढ़े हैं और ये हमारे लिए फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि संसाधनों का अधिकतम प्रयोग कर और आशा करें कि हमारे पास अतिरिक्त संसाधन जैसे वैक्सीन हो, तो मुझे लगता है कि हम कोरोना वायरस 1918 में फैले बुखार से कम वक्त में खत्म करने में कामयाब रहेंगे। आपको बता दें कि भारत समेत दुनिया भर के 180 से ज्यादा देशों में इस महामारी का खौफ देखने को मिल रहा है। अभी तक 2,26,00,000 से ज्यादा लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 7,93,000 मरीजों की जिंदगी ये वायरस छीन चुका है। भारत में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या 29,00,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है, तो वहीं 54,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट।